कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1। अब हम इसका 15वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इकम को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, यानी इन 5 पत्तों को ही केवल फेंटा जा रहा है। फिर इनमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है। पहला भाग है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम। तो देखिए, हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं? 5। वो आ गया नीचे, और इनमें बेगम कितनी है? केवल एक। यानी फेवरेबल आउटकम कितनी होगी? एक। टोटल आउटकम है 5, उसमें से फेवरेबल आउटकम है एक। तो इसका मतलब जब हमने पत्तों को फेंट दिया और उसमें से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला, यानी रैंडम निकाला, तो उसके आने की, बेगम के आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/5। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग है, यदि बेगम निकल आती है तब उसे अलग रख दिया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 5 पत्ते थे, उसमें से एक निकाला, वो बेगम आ गई। बेगम आ गई तो उसको अलग रख दिया। अब हमारे पास बाकी कितने बच्चे रहे? 4। बस ये ध्यान रखना, हमारे पास बाकी पत्ते कितने हैं? 4। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब हमने उन चारों में से एक और पत्ता निकाला, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। अब आप देखो बाकी बच्चे कितने, बाकी पत्ते कितने रह गए थे? 4। ये बेगम हम निकाल चुके, अब क्या प्रायिकता है कि इसमें से एक इक्का निकलेगा? एक। इक्के कितने बाकी हैं? एक। इसका मतलब इक्का के निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। 1/4। आइए हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है, एक बेगम है। अब आप देखिए कि बेगम को पहले ही निकालकर साइड पे रख चुके हैं, तो क्या दोबारा बेगम आ सकती है? नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और हमें पता है प्रायिकता में जो घटना संभव ही ना हो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो बेगम के आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह हो जाएगी 0। तो यही इस प्रश्न का उत्तर था।